कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पताल में बिस्तर की संख्या को बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। भोपाल में पीपल्स और जेके अस्पताल को लिया गया है। उन्होंने कहा, निशुल्क उपचार में जहां गुंजाइश है कसर नहीं छोड़ेंगे। भिलाई से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई है, इंजेक्शन भी खरीदे जा रहे हैं, दवाइयों की कमी ना हो इसका भी प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा, आज देश में 1.25 लाख से ज्यादा मामले आए हैं, कई राज्यों की हालत गंभीर है और सभी जिलों के कलेक्टर सहित अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। कोरोना के इस समय में सभी को साथ में लेकर चलना होगा। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। बाकी जिन शहरों में संकट पेशेंट्स की संख्या का बढ़ा है, वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करके वो आवश्यक और उपयुक्त फैसला करेंगे। हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बना रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा संक्रमण है वहाँ कंटेनमेंट एरिया को भी कंटेन करेंगे, उसको भी बंद किया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बाकी शहरों में जहाँ वायरल लोड ज़्यादा है आज बैठ के विचार करेंगे। छिंदवाड़ा और शाजापुर में कल ही फैसला ले लिया था, बाकी शहरों के बारे में चर्चा करके फैसला होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की बैठकें हो, ये भी हम निर्देश दे रहे हैं। मेरी मनसा कभी भी लॉकडाउन की नहीं रही है, लेकिन ये अभूतपूर्व संकट है। एक तरफ हम इलाज की सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे, कल मैंने तय किया था कि 36,000 बिस्तर हम करेंगे, आज मैंने फिर टीम के साथ बैठक करके हमने ये फैसला किया कि संख्या बिस्तरों की 1 लाख बढ़ा के की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।